चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आज की ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास से हम एक शुरुआत कर रहे हैं, जो शुरुआत है मध्य प्रदेश की। लगभग पीजी के से रिलेटेड परीक्षाएं होती, लगभग सारी ही परीक्षाओं में मंदिरों से प्रश्न अवश्य होता है। कई बार तो ऐसी सिचुएशन बनती है, परीक्षा में ऐसे मंदिर पूछ लिए जाते हैं बच्चों ने न तो कभी पढ़े होते हैं न कभी कहीं सुने होते हैं। यहाँ तक कि शहर या जिले का वो मंदिर होता है, उस शहर या उस जिले के बच्चों को भी उस मंदिर के विषय में नहीं पता होता है। मेरे शहर या मेरे जिले में इस नाम का कोई मंदिर है। परीक्षा में प्रश्न आता है तब तो उन्हें पता चलता है कि नाम का मंदिर मेरे शहर या मेरे जिले में है। तो मंदिरों से लेकर काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में होते हैं। बच्चे काफ़ी मंदिरों से रिलेटेड प्रश्नों के लिए काफ़ी परेशान भी होते हैं। तो हम एक शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मंदिर हैं, प्रमुख प्रमुख मंदिर है ना, यूँ तो हजारों मंदिर हैं मध्य प्रदेश में। ये मंदिर आप याद भी नहीं कर सकते, ये परीक्षा में पूछे भी नहीं जाते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है ना, तो उन मंदिरों से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में होते हैं। तो हम आज की इस क्लास में हम शहर टू शहर, देखो हम एक एक शहर को लेंगे और उस शहर में जितने भी प्रमुख मंदिर हैं है ना, सारे ही मंदिरों के विषय में पढ़ेंगे। मंदिरों में से जो खास मंदिर होंगे, प्रमुख मंदिर होंगे, उन प्रमुख मंदिरों की हम और भी डिटेल देखेंगे और भी उन मंदिरों के विषय में जानेंगे। तो स्टूडेंट, आज से यह श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम एक एक शहर को पढ़ते चलेंगे और उस शहर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं देखेंगे। आप सारे ही मंदिरों से रिलेटेड ये पूरी सीरीज है, इस सीरीज के आप यदि सारी ही क्लासेस देखेंगे तो हमें विश्वास है कि परीक्षा में मंदिरों से पूछे जाने वाले प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। आप सारे ही प्रश्नों को बना लोगे। यहाँ हम आपको सैकड़ों मंदिरों के विषय में पढ़ाएंगे। परीक्षा की दृष्टि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में उन मंदिरों के जाते हैं। तो आइए हम करते हैं शुरुआत। तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम सतना जिले के मंदिरों को पढ़ेंगे। ठीक है, सतना जिले के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, आज की इस क्लास में हम सतना जिले के महत्वपूर्ण मंदिरों के विषय में बात करने वाले हैं। सतना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो पौराणिक तथा ऐतिहासिक दोनों प्रकार का महत्व रखता है। सतना में एक शहर है, एक स्थान है, नाम है जिसका चित्रकूट। और आप सब जानते हैं चित्रकूट का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है ना। रामायण में भगवान राम से संबंधित हैं वह स्थल। ऐसा कहा जाता है कि राम ने काफ़ी समय बिताया था, और जो राम के जो भाई थे भरत, भरत और राम का मिलाप भी चित्रकूट हुआ था। तो चित्रकूट जो कि सतना में स्थित है, मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, चित्रकूट से काफ़ी सारे मंदिर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम सतना जिले के मंदिरों के विषय में पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सतना के मंदिरों। ठीक है, सतना जिले में स्थित मंदिर हैं, उन मंदिरों की आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला मंदिर जो है हमारा, है ना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नंबर एक यह मंदिर है हमारा गोला मठ मंदिर। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, अक्षर छोटा दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अक्षर को, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला मंदिर है हमारा, इसका नाम है गोला मठ मंदिर। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा गोला मठ मंदिर स्थित है ना, चाहे पटवारी की एग्जाम्स हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे अदर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, है ना, जिसमें एमपीजीके के प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो गोला मठ मंदिर कहाँ है? गोला मठ मंदिर है कहाँ पर? आपका उत्तर होगा सतना में। ठीक
ठीक है, भगवान शिव का यह मंदिर है। ठीक है, कई बार परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि गोला मठ मंदिर किसे समर्पित है, तो गोला मठ मंदिर किसे समर्पित है आप याद रखेंगे, गोला मठ मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश के सतना में है ना, मध्य प्रदेश के सतना में। देखो एक बात ध्यान रखना, गोला मठ और एक और शब्द है गोलकी मठ, कई बार गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, गोलकी मठ, तो ये दोनों अलग हैं, है ना। गोलकी मठ जो है यह जबलपुर में है ना, आपने जबलपुर के मंदिरों में इसके विषय में पढ़ा होगा कभी, या नहीं भी पढ़ा है तो हम इस सीरीज में आगे जब जबलपुर पढ़ेंगे तब इसके विषय में जानेंगे। जबलपुर का जो 64 योगिनी मंदिर है वो गोलकी मठ के नाम से भी जाना जाता है, तो गोलकी मठ अलग है और गोला मठ अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गोला मठ मंदिर जो है यह स्थित है कहाँ पर, तो गोला मठ मंदिर स्थित है सतना में, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मंदिर है हमारा ओला मंदिर, है ना, ओला मंदिर। तो याद रखिएगा ओला मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, सतना में। ठीक है, ओला मंदिर कहाँ पर स्थित है, सतना में। तो ओला मंदिर जो है ये भगवान राम सीता लक्ष्मण है ना, इन्हें समर्पित है यह, ठीक है, सतना में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कुंवर मठ मंदिर। ठीक है, देखो ये मठ मठ जितने भी मंदिर आपको दिखे ना, तो जनरली ये सारे मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित हैं, है ना, याद रखिएगा, चाहे गोलकी मठ हो, चाहे गोला मठ हो, कुंवर मठ हो, है ना, तो ये सारे मंदिर जो हैं भगवान शिव को ही समर्पित हैं। चलिए, तो कुंवर मठ मंदिर किसका है, यह भी भगवान शिव का है, जो कि सतना में स्थित है। नेक्स्ट है गेवीनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है गेवीनाथ मंदिर। ये जो गेवीनाथ मंदिर है ना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या हो सकता है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। गेवीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपका उत्तर होगा सतना में। गेवीनाथ मंदिर किसे समर्पित है, आपका उत्तर होगा भगवान शिव को समर्पित है ना। गेवीनाथ मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। अब देखो इस मंदिर की एक विशेषता है, या इस मंदिर का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग की एक विशेषता है, विशेषता यह है कि इसका जो शिवलिंग है वो टूटा हुआ है, मतलब आप यूँ बोल सकते हो कि खंडित है ना। तो गेवीनाथ मंदिर में जिस शिवलिंग की पूजा होती है वो खंडित है ना, अगर हम उसको देखते हैं तो बिल्कुल बीच में से ऐसे टूटा हुआ हमें प्रतीत होता है, खंडित हुआ हुआ हमें प्रतीत होता है। तो गेवीनाथ मंदिर जो है ये भगवान शिव का है। और प्रश्न एक और बनता है कि भाई दुनिया का ऐसा मंदिर जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है ना, आपने कभी किसी भी मंदिर में ये नहीं देखा होगा कि जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जा रही हो, परंतु जो गेवीनाथ मंदिर है, इस गेवीनाथ मंदिर में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि भाई भगवान शिव जब प्रकट हुए थे भूमि में से, तो चूल्हे, एक औरत के चूल्हे में से वो जमीन में से प्रकट हो रहे थे। तो वो जो औरत थी है ना, गेवी यादव करके एक व्यक्ति थे है ना, जिनकी माता थी। तो गेवी यादव की माता क्या करती थी, जैसे ही वो शिवलिंग थोड़ा बाहर आता था है ना, तो वो अपने बेलन से उसको अंदर ठूस देती थी, जैसे ही शिवलिंग थोड़ा बाहर आता था वो उन्हें अंदर ठूस देती थी, ऐसी एक कहानी है। फिर राजा के सपने में शिव आए और उन्होंने बताया कि भाई मैं वहाँ से प्रकट होने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इस तरह से मुझे बार बार, मतलब बार बार मुझे बेलन से अंदर कर, मतलब बार बार बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर गेवीनाथ को जब ये गेवी को जब ये बात बताई जाती है गेवी यादव को, तो फिर उन्हें जब पता चलता है तो फिर इस शिवलिंग को धरती में से निकाला जाता है और वहीं पर मंदिर बना दिया जाता है। और इस मंदिर में जो शिवलिंग है, तो गेवी यादव के नाम पर इसका नाम भी पड़ जाता है, गेवीनाथ मंदिर। ठीक है, तो ये कहानी है कुछ गेवीनाथ मंदिर के, है ना। तो खंडित शिवलिंग की पूजा होती है गेवीनाथ में, तो ये कहाँ पर है, तो यह है सतना में। नेक्स्ट है शारदा देवी मंदिर। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं आप, और शारदा माँ आप सब जानते हैं विद्या की देवी है ना, बुद्धि की देवी है शारदा, सरस्वती है ना, सरस्वती का ही दूसरा नाम है शारदा। तो देवी शारदा का मंदिर कहाँ पर है, तो देवी शारदा का मंदिर है सतना, है ना। सतना में भी कहाँ है, कभी ये पूछ ले तो आप सब जानते हैं सतना के मैहर में। ठीक है, मैहर जो है आल्हा उदल के नाम, आल्हा और उदल का नगर है, या आल्हा और उदल के लिए प्रसिद्ध है। शारदा माता का मंदिर एक पहाड़ी पर बना है, और ऐसा कहा जाता है कि जब रात को पंडित जी पूजा करके आ जाते हैं और सुबह जब वापस से पहुंचते हैं और इसके द्वार खोलते हैं, तो इसकी पूजा, इस मंदिर में भगवान की पूजा कोई उनसे पहले आकर कर जाता है। ये कहा जाता है आम लोगों में कि
आल्हा और उदल जो हैं वो आज भी जीवित हैं, है ना। और यहाँ पर यहाँ के जंगलों में हैं, और आल्हा ही है जो आकर इनकी क्या करता है, पूजा करता है। ठीक है, तो शारदा देवी का मंदिर कहाँ है, सतना के मैहर में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भूमरा का शिव मंदिर, है ना। भूमरा का शिव मंदिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है ना। सतना का एक स्थान है भूमरा, जहाँ पर विष्णु मंदिर स्थित है, सॉरी, है ना, शिव मंदिर भी है और विष्णु मंदिर भी है ना, दोनों ही स्थित है। भूमरा में शिव मंदिर भी है और भूमरा में विष्णु मंदिर भी है ना, ये दोनों गुप्त काल में बने थे। ठीक है, तो भूमरा का विष्णु मंदिर या भूमरा का शिव मंदिर तो कहाँ पर स्थित है ये स्टूडेंट, तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा सतना में। ठीक है, नेक्स्ट है लुकेश्वर नाथ मंदिर। तो लुकेश्वर नाथ मंदिर किसे समर्पित है, शिव को समर्पित है, और ये कहाँ पर है, तो ये भी है सतना में। नेक्स्ट है पात्यानदाई का मंदिर, ये भी कहाँ है, तो पात्यानदाई का मंदिर भी कहाँ है, सतना में। नेक्स्ट है वेंकटेश्वर मंदिर, है ना, वेंकटेश्वर मंदिर भी कहाँ है, सतना में। ठीक है, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। चलिए चित्रकूट मंदिर, है ना, चित्रकूट में बहुत सारे मंदिर हैं। एक बार परीक्षा में ये भी प्रश्न आया था कि चित्रकूट जहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं वह शहर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो चित्रकूट कहाँ है, सतना में। अब चित्रकूट में काफ़ी सारे मंदिर हैं, है ना। चित्रकूट में कई सारे मंदिर जो हैं ये चित्रकूट से मिले हैं, चित्रकूट में स्थित हैं। तो देखो स्टूडेंट, चित्रकूट के मंदिरों को मैं आपको समझाता हूँ, चित्रकूट के मंदिरों को समझा बढ़ाता हूँ। चित्रकूट में एक स्थान है, नाम है जिसका गुप्त गोदावरी, है ना। यहाँ पर भी मंदिर बना है ना, गुप्त गोदावरी। तो गुप्त गोदावरी कहाँ है ना, गुप्त गोदावरी मध्य प्रदेश में, तो सतना में। एक गुफा है ना, जिसमें से एक नदी निकल रही है, और थोड़ा आगे जाकर वो नदी जो है धरती में समा जाती है, एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष के वहाँ जाकर वो नदी जो है विलुप्त हो जाती है। मतलब एक एक गुफा है, उस गुफा के अंदर से नदी प्रकट हुई और थोड़ा बाहर जाकर वो नदी जो है विलुप्त हो गई, तो कहा जाता है कि भाई ये गुप्त गोदावरी है। ऐसी कहानी है कि जब भगवान राम और सीता चित्रकूट पहुँचे थे, तो जिस गुफा में वो ठहरे थे या जिस गुफा में उन्होंने वास किया था, तो वहाँ पर उनसे मिलने गोदावरी आई थी, है ना। गोदावरी उनसे मिलने आई थी, तो वो उनसे वहीं मिलकर वहीं पर गुप्त हो जाती हैं, वहीं पर विलुप्त हो जाती हैं, धरती में समाहित समा जाती हैं, है ना। तो गुप्त गोदावरी कहाँ है, सतना में। नेक्स्ट है रामघाट, है ना, ये भी कहाँ है, चित्रकूट में, है ना। चित्रकूट में है रामघाट, लक्ष्मण घाट, आपको सारे घाट मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, चित्रकूट में। चलिए नेक्स्ट है राम भरत मिलाप मंदिर, है ना। मैंने कहा ना कि राम और भरत का मिलाप चित्रकूट में ही हुआ था सतना के, तो राम भरत मिलन मंदिर ये चित्रकूट का बहुत फेमस मंदिर है, कई बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो राम भरत मिलन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है स्टूडेंट चित्रकूट में। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, भगवान राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण मंदिर। नेक्स्ट है सीता रसोई मंदिर, है ना। ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ सीता जो है वह अपना पूरा रसोई बनाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हनुमान धारा। ठीक है, नेक्स्ट है सती अनुसया आश्रम। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सती अनुसया का, तो उनका जो आश्रम है वो यहीं पर है। नेक्स्ट है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला की ये खासियत है कि इस पर एक पैर का निशान बना है, भक्त कहते हैं कि भाई ये सीता माँ के पैरों का निशान है, और इसकी पूजा होती है, पूरा मंदिर बना है यहाँ पर, है ना। इस स्फटिक शिला को एक मंदिर में स्थापित करके बिल्कुल इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि इस पर जो पैरों का निशान बना है, तो लोगों का कहना है कि यह देवी सीता के पैरों के निशान है। ठीक है, एक है अत्रि आश्रम, है ना, रीति ऋषि अत्रि जो थे उनका आश्रम है। नेक्स्ट है कामदागिरी मंदिर, है ना। तो कामदागिरी मंदिर कहाँ है, तो ये कामदागिरी मंदिर भी कहाँ पर है, तो कामदागिरी भी है सतना में। नेक्स्ट है मत गजेंद्र नाथ महाराज मंदिर, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मत गजेंद्र नाथ महाराज। यहाँ से प्रश्न ये हो सकता है कि मत गजेंद्र नाथ महाराज मंदिर किसे समर्पित है, तो देखो स्टूडेंट, मत गजेंद्र नाथ महाराज मंदिर जो है ये समर्पित है भगवान शिव को। ऐसा कहा जाता है कि भाई भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर यज्ञ किया था, है ना। मत गजेंद्र नाथ महाराज मंदिर है, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। ठीक है, तो मत गजेंद्र नाथ महाराज मंदिर कहाँ पर है, तो यह है चित्रकूट में। ठीक है, तो ये चित्रकूट के कुछ प्रमुख मंदिर हुए, इनके विषय में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट है भटेश्वर नाथ मंदिर, सतना में स्थित है। एक है वैष्णो देवी मंदिर, ये भी यहाँ पर काफ़ी प्राचीन और काफ़ी फेमस मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर चित्रकूट में स्थित है।
एक है आल्हा उदल अखाड़ा मंदिर, है ना, आल्हा उदल जो कि महाराजा परमादि देव की सेना में सेनापति थे, है ना। तो आल्हा और उदल जहाँ पर सारा अपना युद्धाभ्यास वगैरह करते थे, है ना, तो उनका पूरा अखाड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो चित्रकूट में। खोह का शिव मंदिर, ये परीक्षा में पूछा गया है ना। खोह का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सतना में। नेक्स्ट है वीणाधर शिव मंदिर, है ना, वीणाधर शिव मंदिर, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वीणाधर शिव मंदिर में मतलब एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है ना, एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें भगवान शिव को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है ना। भगवान शिव जो है इसमें, उस मूर्ति में मतलब वीणा बजाते हुए भगवान शिव को दर्शाया गया है। तो वीणा बजाते हुए वीणाधर शिव का मंदिर कहाँ पर है, सतना में। नेक्स्ट है भटनवारा का कालका मंदिर, है ना, तो भटनवारा का कालका मंदिर कहाँ पर है, सतना में। नेक्स्ट है इच्छापूर्ति मंदिर, अब ये भी पूछा जा सकता है कि इच्छापूर्ति मंदिर तो व्यापम में आया हुआ भी है ना, तो इच्छापूर्ति मंदिर कहाँ स्थित है, आपका उत्तर होगा सतना में। इच्छापूर्ति मंदिर जो है ना, ये भी काफ़ी फेमस मंदिर है, और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि इच्छापूर्ति मंदिर किसे समर्पित है, तो इच्छापूर्ति मंदिर समर्पित है देवी कालिका को, है ना, ये आपको याद रखना है। इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, ये इच्छापूर्ति कालिका देवी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भाई जो कलकत्ता में कालिका माता है तो ये उनकी बहन है ना, जो यहाँ पर यहाँ पर जिनकी पूजा की जाती है इच्छापूर्ति मंदिर में, है ना, ये सतना में स्थित है, ठीक है, देवी कालिका को समर्पित है ये इच्छापूर्ति कालिका मंदिर, सॉरी इच्छापूर्ति मंदिर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सतना के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हुए, है ना, जिनसे एग्जामिनर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है और जिनसे आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा। हम देखें यदि तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, है ना, सतना के 30 मंदिरों को हमने यहाँ पर आज क्लास में डिस्कस किया। कितने, 30, है ना, 30 मंदिर। तो देखो स्टूडेंट, 30 मंदिर यदि आप सतना के अच्छे से याद रख लेते हो, अच्छे से इनको समझ लेते हो, तो आप भी जानते हो कि भाई इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। पहले में तो और भी बहुत सारे मंदिर हमें सतना में मिलेंगे, परंतु जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन 30 मंदिरों को आप याद कर लीजिए। आप मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड कोई सी भी एग्जाम दो जिसमें मध्य प्रदेश जीके के प्रश्न पूछे जाते हो, तो इतने मंदिर कंप्लीट करने के बाद तो एक भी मंदिर से आपका क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं होगा, है ना, सारे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। इनके अतिरिक्त तो भी और महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यदि आप सतना के हो, है ना, आप क्लास को देख रहे हो और आप सतना जिले से रिलेटेड हो, और अगर सतना जिले का कोई ऐसा मंदिर हो जो काफ़ी फेमस है सतना में, तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि हमें उस मंदिर के विषय में भी पता चले और हम आगे स्टूडेंट्स को भी मंदिर के विषय में बता सकें, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे हैं, भारत तो देश ही मंदिरों का है, पग पग पर आपको मंदिर मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने कुछ सतना के महत्वपूर्ण मंदिरों को आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है, चलिए सारी चीज़ें क्लियर आपको, चलिए तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अगला शहर लेंगे और उस अगले शहर के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, महत्वपूर्ण मंदिरों को पढ़ेंगे, ठीक है, ऑल द बेस्ट।